हेलो दोस्तों, फिर ये नेक्स्ट वीडियो है हमारा HTML5 का। तो हम कहाँ थे, ये चल रहे थे आगे। कुछ प्रैक्टिस में थे हम। हाँ, पी एलिमेंट। हाँ, ये एक टाइटल है HTML5 में, टूल टिप। अगर आप टाइटल के अंदर जो भी मैसेज देंगे वो यहाँ पर एक बॉक्स शो होगा, ठीक है। बॉक्स पर वो लिखा रहेगा, मैं यहाँ लैपटॉप लिख देता हूँ। तो ये लैपटॉप, जब आप इस पर पैराग्राफ के ऊपर ये कर्सर लेकर जाएंगे तो यहाँ एक वो शो करेगा बॉक्स नीचे, देखिए ये लैपटॉप लिखा ना। तो इस तरह से अच्छा ऑप्शन है HTML5 में, ये देख सकते हैं आप। तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स है, काफ़ी एलिमेंट्स इसमें ऐड किए गए हैं और कुछ जो है अलग रखे गए, निकाले गए हैं इसमें से। तो ये मॉडर्न ब्राउजर में सपोर्ट करता है, जितने भी मॉडर्न ब्राउजर हैं सब में सपोर्ट करेगा। और हम इसमें ये देखिए SVG इमेज ला कर देखेंगे। अगर आप ब्राउज़र पर कुछ शो करना चाहते हो इमेज, तो SVG इमेज होती है, एक टैग है यहाँ पर HTML5 में, उसको हम लगाएंगे। उसमें कितनी विड्थ लेना चाहेंगे आप, वहाँ पर कितनी विड्थ कवर करेंगे, तो वो दिया हुआ है इसमें। विड्थ 100 है और हाइट 100 है, तो ये विड्थ कवर करेंगे। और उसके अंदर क्या बनाना चाहेंगे, सर्कल। तो ये नीचे सर्कल का टैग है, और सर्कल में ये सर्कल का टैग है, ठीक है। इस तरह से सर्कल के यहाँ XYZ XY देंगे, और ये जो भी है रेडियस वगैरह देंगे, स्ट्रोक देंगे, कितना चारों तरफ से स्ट्रोक बने उसके, ठीक है। तो इस तरह से एक बेसिक आइडिया है ये जो आपको दे रहा हूँ मैं। सिर्फ यहाँ पे हम बेसिक आइडिया ले रहे हैं, बाकी आगे डिटेल में मैं अलग अलग वीडियोज़ बनाऊँगा। यहाँ एक जान लेते हैं कि HTML5 में क्या क्या चीज़ किस तरह से होती है। तो ये सारी चीज़ें, इसकी विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हैं। विड्थ बढ़ाने से कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, और ठीक से होनी चाहिए CSS वगैरह। तो फिलहाल ज़रूरत पड़ने पर हम बढ़ा सकते हैं, पर यहाँ देखते हैं कि ठीक से चलेगा नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये यहाँ देखिए, रेडियस बढ़ा के देखते हैं। रेडियस जैसे बढ़ाएंगे तो ये देखिए, रेडियस बढ़ाने से रेक्टेंगल हो गया वो, ठीक है ना। वो सिस्टमेटिक सिस्टम थोड़ा ख़राब हो गया CSS का, तो सभी चीज़ें रेशो में होती हैं। यहाँ फिल देखते हैं, फिल करके ब्लैक ले लेते हैं, तो बीच का कलर ब्लैक आ जाएगा। ये देखिए स्ट्रोक जो चारों तरफ इसके फ्रेम बना है, उसका ये फोर साइज है, वो चेंज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाते रहेंगे। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया SVG। चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ऑडियो। ऑडियो मीडिया वगैरह भी आप लगा सकते हैं पेज पर, ऑडियो वीडियो। तो यहाँ उसका UR, यहाँ जैसे ये ऑडियो टैग है, ठीक है। ऑडियो टैग में हम कंट्रोल्स लिखेंगे, जो ऑन ऑफ का मेन कंट्रोल्स होते हैं वो शो होता है। और सोर्स में आप लिखेंगे उसका एड्रेस, कि वो फाइल कहाँ पर है ऑडियो की। तो हम यहाँ सोर्स में ऑडियो फाइल का एड्रेस देंगे, और टाइप में लिखेंगे MP3 या जो भी। यहाँ पर OGG लिखा है, पर वो फॉर्मेट हमारा MP3 है। यहाँ से हम पाथ कॉपी करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाकर पाथ कॉपी कर लीजिए। जैसे आपने देखा होगा नेट पर, आप HTTP लिखते हैं तो यहाँ लोकल कंप्यूटर पर फाइल लिखा जाता है, फाइल कॉलन और 3 बार स्लैश लगा लीजिए, ठीक है। इस तरह से एड्रेस चलता है यहाँ पर लोकल कंप्यूटर पर। तो दोस्तों, ये तो रहा इंट्रोडक्शन, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। आगे प्रैक्टिस करते रहना इसकी, और मैं एक एक पॉइंट पर वीडियो बनाऊंगा। ये ऑडियो तो आपका ये कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम वेब पेज पर अगर यूजर को ऑडियो दिखाना चाहें तो आप यहाँ से ऑडियो लगा सकते हैं। और SVG भी आपने देख लिया, एक इमेज अगर शो करना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ MP3, टाइप MP3 होना चाहिए। आपने देखा होगा वेबसाइट खोल, काफ़ी वेबसाइट चलाई होंगी, देखा होगा नेट पर बैठे रहते हैं आप, तो वहाँ कभी आप वीडियो का URL देख लेते हैं पेज पर, या फिर आप इसका ऑडियो का देख लेते हैं। वो सब HTML5 में किया हुआ है सब काम। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सीखना ज़रूरी है आजकल, ठीक है। बेसिक तो चाहिए चाहिए आपको HTML CSS का, बट HTML5 जो वर्जन है, इसको तो आप कंप्लीट करने पड़ेगा। आजकल मॉडर्न उसमें जितने ब्राउजर उसमें सपोर्ट करता है, और बहुत कंट्रोल्स इसमें आ रहे। ये देखिए, ये ऑडियो का कंट्रोल आ गया, ठीक है। म्यूजिक प्ले हो रहा था, अब ये हम वीडियो का ले लेते हैं इंट्रोडक्शन। एक वीडियो का टैग होता है, ठीक है। वीडियो का टैग होगा तो उसमें भी हम सेम वही चीज़ करेंगे। यहाँ पर वीडियो का URL देंगे SRC में, ठीक है ना, सोर्स में। और बाकी वीडियो के ऊपर टैग में देख रहे हैं आप, विड्थ और हाइट लगा है, और एक कंट्रोल लिखा है, कंट्रोल ऑन ऑफ के लिए, जो शो होगा वहाँ, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम देंगे
टाइप होगा MP4, दोनों सेम है। तो इस तरह से आप अपनी जब वेबसाइट बनाएंगे या वेब पेजेस बनाएंगे तो अट्रैक्टिव बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लगाकर, तो ऐसी फॉर्म के कंट्रोल्स हैं जैसे डेट टाइम, ये मैंने पहले वीडियो में दिया था। बहुत सारे टैग्स हैं जो इसमें आ गए हैं और बहुत कुछ टैग्स हैं जो बाहर निकाले गए हैं। तो HTML5 को ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका वीडियो टैग, इस तरह से चल ये है कंट्रोल्स, इसमें हटाकर दिखाया मैंने आपको। विड्थ और हाइट हम इसमें चेंज कर सकते हैं, तो जिस हिसाब से आपको विड्थ हाइट चाहिए वो ले सकते हैं। चलिए अब दिखाता हूँ मैं कैनवास, जैसे SVG था ऐसे कैनवास है। कैनवास भी एक कंटेनर की तरह है, इसमें ID लेंगे और इस JavaScript में काम करेंगे। स्क्रिप्ट टैब के अंदर JavaScript लिखेंगे, इस ID को फाइंड करेंगे। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं JavaScript को, देख लीजिए, उसमें पूरी डिटेल है। तो इसमें ID लिया है हमारे कैनवास, और विड्थ और हाइट देंगे कैनवास की, स्टाइल दे देंगे इसमें, और जावास्क्रिप्ट में ये ID फाइंड करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय एलिमेंट बाय ID से, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID से हम ID फाइंड कर लेंगे और एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, और उस वेरिएबल के साथ हम गेट कॉन्टेक्स्ट यानी 2D हम पास कराएंगे, जो 2D हमें इमेज चाहिए। तो इस तरह से हम ये मूव टू लिखा है, लाइन टू लिखा है, किस तरह से चलना है, कहाँ से चलना है पॉइंट, ठीक है, ये स्ट्रोक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अब आगे है, मैं डिटेल देता रहूँगा। तो गाइज अभी तक आपने, अभी आपको वीडियो कैसा लगा है, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अभी देखते जाइए और अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो आप को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हेल्प कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसको आगे बढ़ाइए। जो नए HTML डेवलपर्स हैं और न्यू बिगनर्स हैं, उनको ये वीडियोज़ मिलें और उनको पढ़ाई में दिक्कत ना हो, और ये थोड़ा थोड़ा बेसिक उनको मिलता जाए। तो गाइस ये इस तरह का बेसिक है, जो मैं बेसिक लेके चलूँगा। जो जो प्रॉब्लम मुझे पड़ी थी स्टार्टिंग में, वो सारी प्रॉब्लम्स को मैं इस तरह से शो करूँगा। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है वो सब शो करूँगा मैं। हमारे पास आप अगर इसमें सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मौका मिलेगा PHP डेवलपर बनने का। PHP में लारावेल जैंड हो गया, और ये सारी चीज़ें मैं लाऊंगा, PHP MySQL सब इसमें आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये गाइस, ये ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए थोड़ा छोटी सी ड्राइंग है, वो दिखा सकते हैं वेब पेज पर अपने अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो ये HTML5, ये रहा, ये 2D 3D कुछ नहीं है, ठीक है, वो चेंज करके देखा है। अभी 2D देख लिख लेते हैं, 2D ही है, 2D में बनेगा, 2 डायमेंशन है। तो इस तरह से ही आपका आज का वीडियो गाइस, आपने इतना टाइम निकाला उसके लिए बहुत ही शुक्रिया, और हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रात के 2 बज गए हैं, वीडियो बना रहा हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।